सिक्स सूत्रों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 57 सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। मन समा हारण याणम भन्ते जीवे किम जनये। मन समाधारणा, मन समाधारणा का मतलब है मन को आगम कथित भावों में बलि पाते लगाने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं मन समा हारण याणम एगगम जनये। जन इत्ता नान पज्जवे जनये। जन इत्ता समत्तम विशोहे मिचत्तम च निज्जरेयी। मन समाहरणा यानी मन समाधारणा से, यानी आगम का स्वाध्याय करने से, मन को यदि हम स्वाध्याय में लगा देते हैं और स्वाध्याय में भी आगम का स्वाध्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आगम का स्वाध्याय करने से कर्मों की हमारी बहुत निर्जरा होती है, क्योंकि आगम है वो डायरेक्ट भगवान ने कहे, जो 11 अंग है वो डायरेक्ट भगवान ने कहे हैं, जो उपांग है वो स्थवीर भगवंतों ने कहे हैं। तो यदि हम आगम का स्वाध्याय करते हैं, उसमें हम अपने मन को लगा देते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा? एकगम जन यही। एकगम का मतलब एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, यानी हमारे भीतर एकाग्रता आती है, यानी हमारा मन है वो कंसंट्रेट हो जाता है स्वाध्याय करते समय। तो स्वाध्याय में इतना मन लग जाए कि हमारा मन एकदम एकाग्र हो जाए। जितनी एकाग्रता होती है, जितना हमारा मन कंसंट्रेट होता है, उससे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। और जब हम स्वाध्याय करेंगे तो उससे क्या होगा? नान पज्जवे जनयेयी। नान का मतलब ज्ञान, पज्जवे का मतलब परे, वो जनय का मतलब प्राप्त होता है, यानी ज्ञान परे का मतलब ज्ञान के विविध आयामों को प्राप्त होता है। क्योंकि हम स्वाध्याय करेंगे तो हमें नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, नया नया नॉलेज हमारा बढ़ता रहेगा। वो कब बढ़ेगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। यदि हम स्वाध्याय ही नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा? क्योंकि भीतर का ज्ञान हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें बाहर से पढ़ करके ज्ञान को इंक्रीज करना है। ज्ञान के 5 प्रकारों की चर्चा नंदी सूत्र में मिलती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो क्या है? सूक्ष्म जन्य है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अभी वर्तमान में है। अवधि ज्ञान कोई किसी किसी को हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो जिसके पास सम्यक दर्शन है उनके पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, जिसके पास मिथ्यात्व है उनका मति अज्ञान श्रुत अज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान है, लेकिन पात्रता की दृष्टि से वो ज्ञान भी अज्ञान की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो 5 ज्ञान है उसमें मूल तो एक केवल ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान जब सारा सूक्ष्म मतलब सारा ज्ञान जो है वो एकदम सूक्ष्म होता है, तब हाईएस्ट कोटि का हमें ज्ञान होता है। तो वो उसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे एक चौकी है, वो पूरी रेत से भरी हुई है, लेकिन जैसे हवा का झोंका आता है थोड़ा सा कोना है वो मिट्टी से हट जाता है, तो थोड़ा सा कोना दिखता है चौकी चौकी का। तो थोड़ा सा जो मिट्टी हटी और चौकी का जो एक साइड का कोना दिखाई दे रहा है वो जैसे मति ज्ञान हो गया, कि थोड़ी सी और मिट्टी हटी दूसरा कोना दिखाई देने लगा वो श्रुत ज्ञान हो गया, फिर ऐसे ही थोड़ी और मिट्टी हगी हटी तो तीसरा कोना, फिर वापस और मिट्टी हटी तो चौथा कोना। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परिज्ञान, लेकिन पूरी मिट्टी हट गई तो पूरी चौकी दिखाई देने लगी। वैसे ही थोड़ा थोड़ा हमारा क्षोभसम बढ़ता जाता है तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता जाता है, लेकिन पूरा क्षोभसम हो जाता है तब क्या होता है? पूरा आवरण जब हट जाता है ज्ञान का, जो अज्ञान का आवरण है वो हट जाता है, तो
तो पूरा ज्ञान यानी केवल ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ है, यानी सबको जानने वाला हो जाता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से तो हम बहुत कम जानते हैं, अधिक ज्ञान से तो भी हम ज्यादा जानते हैं। मन पर ज्ञान से जो मन मन पर ज्ञान से हम जो भी संगी जीव है उनकी मन की पर्याय क्या क्या चल रही है, उनके मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे, क्या क्या विचार चल रहे, उनको हम जान सकते हैं। लेकिन संपूर्ण ज्ञान हम किससे जान सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान जो होता है उससे हम सबको जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है, जब हम स्वाध्याय करते हैं उससे हमारा जो ज्ञानावणि कर्म है वो क्षय होता जाता है। ज्ञानावणि कर्म क्षय होने से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान परेवों को प्राप्त कर सम्यक दर्शन को विशुद्ध और मिथ्यात्व को क्षीण करता है। जब ज्ञान परे प्राप्त हो जाती है यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। जब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तब व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। अनादि काल से मिथ्यात्व तो हमारे साथ चला आ रहा है, यानी अनादि काल से व्यक्ति पहले तो मिथ्यात्व ही होता है, बाद में ही उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी को भी हम देख ले कि अनंत काल की यात्रा में उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब हुई, जब नयसार के भाव में आए तब उनको पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो जीव मिथ्यात्व ही होता है, बाद में कोई ऐसा निमित्त मिलता है, कोई ऐसा उपदेश सुनने को मिलता है, या क्षोभसम होते होते नेचुरल ही कभी कभी नैसर्गिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो मिथ्यात्व जो हमारा अनादि काल से हमारे साथ था उसका नाश हो जाता है। जब सम्यक दर्शन की अवस्था में जो भी हम तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और मिथ्यात्व अवस्था में बहुत कम लाभ होता है। एक मिथ्यात्वी व्यक्ति 6 महीने तक कंटिन्यू तपस्या करता रहे और एक सम्यक दर्शी जीव है वो मात्र 9 काशी तप करता है, दोनों को सेम बराबर लाभ होता है। तो मिथ्यात्व अवस्था में जो भी हम करते हैं तब जब उसमें हमें लाभ कम होता है, सम्यक दर्शन यदि हमें हमारे पास है उस अवस्था में हम जो भी करते हैं उसमें ज्यादा हमें लाभ होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन हमारा कैसे पुष्ट हो उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो सम्यक दर्शन पुष्ट के लिए हम देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा करें, निश्चय में मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं इस प्रकार का भेद विज्ञान का अनुभव करें। नेक्स्ट है वही समाहरणायणम बनते जीवे किम जनये। वही का मतलब वाक, वाक समाधारणा यानी वाणी को स्वाध्याय में भली भांति लगाने से जीव को क्या मिलता है। जो हमारी जो वाणी है हमें बोलने के लिए भाषा मिली है। संसार में कितने कितने प्राणी हैं जिनको अभी तक वाणी नहीं मिली यानी भाषा नहीं मिली है, बोल नहीं सकते हैं। कल ही जैसे मैंने कहा था एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, ओनली उनके पास वन सेंसेस एक ही इंद्रिय है जिसके कारण वो बोल नहीं सकते हैं। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय वाले जीव उनके पास भाषा तो है लेकिन स्पष्ट नहीं है, वो आवाज करते हैं लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं। और असंगी पंचेंद्रिय है उनकी भाषा भी हम नहीं समझ सकते हैं। पशु पक्षी पंचेंद्रिय है संगी है लेकिन उनकी भाषा भी हर कोई नहीं समझ सकता है। हम मनुष्य बने हैं हमें स्पष्ट भाषा मिली है, हम अपनी वाणी का कैसे प्रयोग करें। वाणी का हम स्वाध्याय से भी प्रयोग कर सकते हैं, हम स्वाध्याय स्वयं करें दूसरों को कराएं तो वाणी का सदुपयोग होता है। वाणी भी हमें कैसी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हम कम बोलते हैं उतनी एनर्जी हमारी सेव रहती है,
जितना हम ज्यादा बोलते एनर्जी हमारी उतनी ही खत्म होती है। तो वाणी को हम किस में लगाए? स्वाध्याय में लगाए। तो स्वाध्याय में लगाने से क्या होता है? हमारी वाणी का सदुपयोग होता है। वही समाहरणायणम वही साहरणाय वही साहार दंशन पज्जभे विशो हेयी। वचन समाधारणा से वह क्या होता है? वाणी के विषय बुद्ध दर्शन पज्जवे ने परे को वो क्या करता है? विशो ही विशुद्ध करता है। ने वाणी जब हमारी स्वाध्याय में लगेगी तो उससे क्या होगा? जो दर्शन है, दर्शन का मतलब है सम्यक दर्शन के जो विविध आयाम है वो विशुद्ध होता जाता है। वाणी के विषय बुद्ध दर्शन परे को विशुद्ध कर बोधि की सुलभता को प्राप्त होता है और बोधि की दुर्लभता को क्षीण करता है। दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन होता है वो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जो नास्तिक होता है वो कहता है किसने देखा है परलोक, आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है वो सब कुछ यही है, इस प्रकार उनकी धारणा होती है। वो आत्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ है वो यही है, मृत्यु के बाद कुछ होता ही नहीं है। जो शरीर होता है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, परलोक होता ही नहीं है। लेकिन आस्तिक दर्शन करता है परलोक भी है, यानी आप जैसा करोगे वैसा आपको नेक्स्ट जन्म में मिल सकता है। यदि मोक्ष की बात नहीं होती तो व्यक्ति तपस्या क्यों करता, साधना क्यों करता? मोक्ष के लिए तो हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, श्रावक के व्रत ग्रहण करते हैं, साधु के व्रत स्वीकार करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। कि हमें पता है कि यह लाइफ तो हमारी बहुत छोटी है, आगे का हमें देखना है, आगे के लिए हम साधना करते कि आगे यानी हमारा मोक्ष जल्दी हो, कर्मों से हम मुक्त बने, आत्मा हमारी विशुद्ध हो, उसके लिए हम साधना करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति साधना नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, मोक्ष है। इसीलिए हमें संभल संभल करके कर्म मतलब काम करना चाहिए जिससे कर्म का बंधन कम हो। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कर्म का बंधन अधिक हो। तो वाणी यदि हम स्वाध्याय में लगाते हैं तो पहला लाभ तो होता है सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। और सम्यक दर्शन जब विशुद्ध हो जाता है तो जीव क्या बन जाता है? सुलभ बोधि बन जाता है। उसके लिए फिर बोधि दुर्लभ नहीं होती है। बोधि तीन प्रकार की होती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। लेकिन जब सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, विशुद्ध होता है, तो बोधि भी उसके लिए सुलभ हो जाती है। इसलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं सुलभ बोधि हूँ या दुर्लभ बोधि हूँ, मैं सम्यक्ति हूँ या मिथ्याति हूँ, मैं तुच्छ संसारी हूँ या अधिक संसारी हूँ। इस प्रकार अपने आप से प्रश्न पूछे और साथ साथ में श्रावक के जो तीन मनोरथ है उसका भी रोज चिंतन करे। वो दिन धन्य होगा जब मैं पांच महाव्रत ग्रहण करूंगा, वो दिन धन्य होगा तब मैं घर छोड़ अंगार बनूंगा, परिग्रह का त्याग करूंगा, वो दिन धन्य होगा जब मैं अंतिम समय में समाधि पूर्वक मृत्यु का वरण करूंगा, यानी अनशन स्वीकार करूंगा। काय समाहरणायणं बन्ते जीवे किं जनये। काय का मतलब है शरीर। तो शरीर को यदि हम अच्छे योगों में लगाते हैं तो उससे क्या मिलता है? तो काय समाहरणायणी, काय समाधारणा का मतलब है संयम योगों में काय को भली भांति लगाने से जीव क्या प्राप्त करता है? क्यों? क्योंकि शरीर से हम अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं, यानी हम शरीर से साधना भी कर सकते हैं। इस शरीर से हम
स्वाध्याय भी कर सकते हैं, इस शरीर से हम ध्यान भी कर सकते हैं, इस शरीर से हम मंत्र जप भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, और इस शरीर से किसी को हम मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर का सही उपयोग करना है। संयम जो है, जिसमें जिससे संयम होता हो, जिससे कर्मों का बंध कम होता, वो हमें काम करना है इस शरीर से, क्योंकि ये जो शरीर है, कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, तेजस और कार्मण शरीर तो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। शरीर का संबंध तो जब से जीव पैदा हुआ है, शरीर तो उसके साथ हमेशा से ही है, और औदारिक शरीर कभी मिल जाता है, कभी वैक्रिय शरीर मिल जाता है, लेकिन जो तेजस और कार्मण है, वो शरीर तो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में भी हम चले जाते हैं, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो साथ ही रहते हैं। औदारिक शरीर होता है, यदि मनुष्य है, किरण है, औदारिक शरीर होता है तो वो छूट जाता है, लेकिन तेजस कार्मण शरीर के कारण वो वापस नया शरीर धारण कर लेता है, और देव गति में जीव चला गया या नरक गति में चला गया तो वैक्रिय शरीर होता है, तो वहां से उनकी मृत्यु होती है, तो वापस वो भी नए शरीर को धारण कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब तक जीव संसार में रहता है, तब तक वो सशरीर ही होता है ना, उनके शरीर होता ही है, तेजस कार्मण तो रहता ही है, और उसके साथ औदारिक अथवा वैक्रिय शरीर रहता है। तेजस कार्मण शरीर कब छूटते हैं? जब जीव का मोक्ष होता है। जब तक जीव का मोक्ष नहीं होता है, तब तक तेजस और कार्मण शरीर साथ में रहते हैं, और तेजस कार्मण शरीर के कारण ही जीव नए नए शरीर को धारण करता रहता है। तो शरीर का हमें सदुपयोग करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस शरीर से हम व्रतों का पालन कर सकते हैं। तो कौन से व्रतों का पालन कर सकते हैं? भगवान कहते हैं, काय समाहरणायणम चरित्त पज्जवे विसोही, काय समाधारणा से व चरित्र, चरित्र यानी चरित्र यानी चारित्र के, पज्जवे पर्यव यानी जो विविध आयाम है उसको क्या करता है, विसोहे विशुद्ध करता है। तो चारित्र पांच है, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापने चारित्र, यथाख्या चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र। तो इतनी मतलब चारित्र का इतना अच्छे अच्छी तरह से पालन करता है, वो यथाख्या चारित्र को भी प्राप्त कर सकता है। अहखाय चरित्र में यथाख्या चारित्र, यथाख्या चारित्र किसको होता है, जो वीतराग होता है। वीतराग का मतलब क्या होता है, जिसकी राग और द्वेष खत्म हो गए, वे वीतराग होते हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर का सदुपयोग करता है, तो चारित्र का अच्छी तरह से पालन करता है, तो यथाख्या चारित्र तक भी वो पहुंच जाता है। यथाख्या चारित्र को प्राप्त करने योग्य वो विशुद्धि करता है, और क्या करता है, विशोहिता चत्तारी केवली कम्बन से खवे, विशुद्धि विशुद्धि करके, चत्तारी मैंने चार, केवली कम्बन से, जो केवली के जो चार कर्म होते हैं घाती, वो क्या करते हैं, वो खत्म कर देते हैं। घाती कर्म खत्म होते हैं तब केवली बन जाते हैं। अब केवली के शेष कर्म कितने रहते हैं, चार अघाती रहते हैं, वेदनीय आवश्य नाम और गोत्र। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब तो चार घाती कर्म क्षय हो गए, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए घाती कर्म का क्षय जरूरी है। उसमें भी सबसे पहले मोहनीय कर्म का, क्योंकि मोहनीय कर्म किंग है, राजा है। मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीन कर्म तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले मोहनीय कर्म खत्म होता है 12वें गुण स्थान में, और 13वें गुण स्थान में शेष तीन कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं घाती। उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है 13वें गुण स्थान में। तो आयुष्य लंबा होता है तो लंबे समय तक भी केवल ज्ञान रहता है। जब केवल ज्ञान रहता है, उस समय भी चार अघाती कर्म शेष होते हैं, यानी चार अघाती कर्म कौन से होते हैं, वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र,
ये चार कर्म कब क्षीण होते? जब जीव 14वें गुण स्थान में आता है, तो ये अघाती कर्म होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, इधर शरीर भी छूट जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो पच्छा सिज्जई, उसके बाद सिज्जई यानी सिद्ध होता है, बुज्जई यानी प्रशांत होता है, मुच्चई का मतलब है मुक्त होता है, परिनिब्बा यानी परिनिवृत्त होता है, सब दुखान मंतम करे और सब दुखों का अंत करता है, यानी शरीर समाधान यानी शरीर का सही उपयोग करने से कितना बड़ा लाभ हो गया। तुम चारित्र का अच्छा पालन किया तो यथाख्या चारित्र मिल गया, तो यथाख्या चारित्र इतना विशुद्ध हो गया, जो घाती कर्म थे वो भी खत्म हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके बाद जो शेष चार अघाती कर्म थे उनका भी उन्होंने क्षय कर दिया, और क्षय होने से क्या हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो गया, और सारे दुख जितने भी संसार के दुख हैं, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ये सब प्रकार के जो बड़े बड़े दुख हैं चार, बाकी छोटे तो बहुत सारे दुख होंगे, लेकिन जो सबसे बड़े दुख हैं, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का दुख और बीमारी का दुख, रोग का दुख, ये जो चार दुख है उन दुखों का भी वो अंत कर देता है। नान संपन्नायनं बन्ते जीवे किम जनये, ज्ञान संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है, शुद्ध ज्ञान की संपन्नता से यानी आगम ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है, आगम ज्ञान मैंने ज्ञान जो होता है उसकी वो आराधना करता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं नान संपन्नायनं जीवे सब भाव ही गमम जनयेयी, ज्ञान संपन्नता से वह सब पदार्थों को जान लेता है, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब वो सब पदार्थों को जान लेता है, इसीलिए केवल ज्ञानी के लिए क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ इसीलिए कहा जाता है कि वो सब पदार्थों को जान लेते हैं। नान संपन्नेनम जीवे चाउरंते संसार कंतारे न विनश्ये, ज्ञान संपन्न जीव चाउरंते ने चार अंत वाली संसार कंतारे ने संसार अटवी में कंतारे ने अटवी में न विनश्ये, विनष्ट नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान किसके पास होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है उनका ज्ञान कहलाता है, तो जिसके पास ज्ञान होता है वो संसार में कभी भी मतलब विनष्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया है, जहां सुई स सुत्ता पड़िया भी न विनश्यति, तहां जीवे स सुत्ते संसारी न विनश्यति, जिस प्रकार सुई मैंने सुचि यानी सुई, जो सुई होती है, स सुत्ता मैंने धागे सहित जो सुई होती है, पड़िया भी न विनश्यति, वो अगर गिर भी जाती है तो भी गुम नहीं होती है, तहां जीवे स सुत्ते, उसी प्रकार स सुत्ते माने सुत सहित जीव संसारे न विनश्ये, संसार में रहने पर भी विनष्ट नहीं होता है, माने संसार में रहने पर भी सम्यक दर्शी होता है, वो डूबता नहीं है, यानी वो हमेशा उनका ऊर्ध्वारोहण होता रहता है, वो कभी भी दुर्गति में वो नहीं जाता है, सम्यक दर्शी जीव। तो ज्ञान संपन्नता से कितना बड़ा लाभ हो गया कि ज्ञान की यदि संपन्नता है, ज्ञान संपन्न जीव है, तो वो संसार में कभी भी वो विनष्ट नहीं होता है, यानी वो संसार में वो ज्यादा परिभ्रमण नहीं करता है, अगर संसार में भी रहता है तो वो दुर्गति में नहीं जाता है, क्योंकि तो दुर्गति में जाता है फिर तो वो उसको खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शी जीव है, ज्ञान संपन्न जीव है, वो संसार में भी विनष्ट नहीं होता है, जैसे सुई होती है धागे वाली, वो गुम जाती है फिर भी वो मिल जाती है, कभी गुम गुम भी हो सकती है लेकिन धागे वाली होने से वो मिल जाती है, वैसे ही श्रुत की आराधना करता है यानी ज्ञान की जो आराधना करता है वो भी संसार में कभी भी विनष्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज एक श्रुत सामायिक करनी चाहिए, श्रुत सामायिक का मतलब एक आगम की आगम सुने बस, केवल उस सामायिक में तो वो होती है श्रुत सामायिक।
आचार्य श्री महाश्रमण जी कई बार कहा करते, हर व्यक्ति को एक सामायिक करनी चाहिए, श्रुत सामायिक, जिसमें केवल श्रुत यानी सूत्र को सुने, वो होती है श्रुत सामायिक। तो श्रुत सामायिक करने से हमारे क्या होता है, जो ज्ञानावली कर्म होता है वो क्षीण होता है। नान विनय तव चरित्र जोगे संपा उणई, स समय पर समय संधाय निज्जे भवे। ज्ञान संपन्न अवधि आदि विशिष्ट ज्ञान विनय तप और चारित्र के योगों को प्राप्त करता है। ज्ञान संपन्न जीव क्या करता है, जो अवधि आदि ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, वो विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है और तप और चारित्र के योगों को भी प्राप्त करता है। ज्ञानी होगा वो तप भी करेगा और चारित्र का भी अच्छी तरह से वो पालन करेगा, तथा स्व समय यानी अपने जो सिद्धांत हैं, जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, पर समय का मतलब है जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरों के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या या तुलना के लिए प्रामाणिक प्रामाणिक पुरुष माना जाता है, यानी ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, इसलिए सब विश्वास करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ज्ञानी है, इसलिए जो कहता है वो सही कहता है। दंशन संपन्नायणम बंते जीवे किम जनये, दंशन यानी दर्शन, संपन्न यानी संपन्नता से जीव क्या प्राप्त करता है। दर्शन का मतलब है यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं दंशन संपन्नायणम भव मिथ्यत्व क्षेणम करे, दंशन यानी दर्शन संपन्नता से वो क्या करता है, भव यानी संसार और मिच्छत्व यानी मिथ्यात्व का वो नाश कर देता है। तो संसार का कारण क्या है, संसार में हम क्यों घूमते हैं, हमारा जन्म मरण क्यों होता है, तो कहते हैं भगवान कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जब तक रहता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। कौन करता है, मिथ्यात्वी जीव। तो मिथ्यात्व जब तक होता है तब तक संसार हमारा रहता है, तो मिथ्यात्व खत्म होता है तो क्या होता है, जब क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति होती है दर्शन संपन्नता से, वो संसार पर्यटन के हेतुभूत मिथ्यात्व का उच्छेद, छेणम, छेणम का मतलब उच्छेद करता है यानी नष्ट कर देता है, मिथ्यात्व का वो नाश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या मिलता है उसको, विज्ञा यही अनुत्तरेणम नान दंशनेणम अपानम संजो ए माणे सम्मम भावे माणे वीरे। जब मिथ्यात्व का नाश होता है तो क्या मिलता है उनको, क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन की विशेषता क्या है, ये क्षायिक सम्यक्त वाला जीव उसी जन्म में मोक्ष जाता है अथवा तीसरे भाव में तो अवश्य ही मोक्ष जाता है, बाकी सम्यक तो आते जाते हैं, क्षोभसम सम्यक तो होते हैं, औष्मिक सम्यक तो होते हैं, वो तो आते जाते हैं, लेकिन क्षायिक सम्यक की ये विशेषता है कि वो आने के बाद कभी जाता नहीं है। तो क्षायिक सम्यक जी उसी भाव में मोक्ष जाता है अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ है तो, अन्यथा आयुष्य का बंध हो गया तो वो तीसरे भाव में तो अवश्य ही मोक्ष जाता है, उससे आगे उसकी प्रकाश शिखा बुझती नहीं है, यानी सम्यक दर्शन मिल गया उसके बाद उसका जो प्रकाश है सम्यक्त का वो कभी भी बुझता नहीं है। बाकी सम्यक तो आता है, क्षोभसम होता है, वो तो कभी हमारी श्रद्धा डावाडोल हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है तो वापस हमारा सम्यक तो जा सकता है, लेकिन जो क्षायिक सम्यक तो है उनमें उनकी श्रद्धा इतनी स्ट्रोंग होती है, कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे स्वर्ग से इंद्र भी आ जाए तो भी उनकी श्रद्धा कहीं पर भी डावाडोल नहीं होती है, एकदम स्थिर होती है। यह अनुत्तर ज्ञान और दर्शन से अपने आप को संयोजित करता हुआ, उन्हें सम्यक प्रकाश से आत्मसात करता हुआ विहरण करता है। जब क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो अनुत्तर ज्ञान दर्शन वो भी प्राप्त हो जाता है, तो उनसे अपनी आत्मा को भावित करता हुआ क्या करता है, निहार करता है। इस प्रकार हमारे 61 सूत्र आज कंप्लीट हुए हैं, इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे।